फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिरला करियर एकेडमी। फ्रेंड्स, हम आईबीपीएस एफओ और इफको दोनों के लिए जो यूजफुल है इंग्लिश और जो मेन कंसेप्ट है एग्रीकल्चर के, उनको देख रहे थे। हम ओकेप को ट्रिक के साथ में पढ़ रहे हैं और हमारी 20 ओकेप कंप्लीट हो चुकी है दो वीडियो में, और आज की वीडियो में 10 ओकेप कंप्लीट करेंगे तो हमारी 30 ओकेप आज कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद में हमारी 7 से 8 स्कीम जो नाबार्ड के द्वारा चलाई जा रही है, जो कि आईबीपीएस एफओ और इफको दोनों के लिए यूजफुल है, वो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। आज से हमारे अगले स्कीम के बारे में देखेंगे। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले 10 ओकेप, उसके बाद में हम स्कीम देखेंगे। तो आप बने रहिए बिरला करियर एकेडमी के साथ में, और मैं उन सभी दोस्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लगातार बिरला करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, और उन सभी नए व्यूवर्स का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अभी जुड़े हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले हमारी 5 ओके, और 5 ओके में रोज की तरह वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम जो देखते हैं अपनी ओके, ये ओके दोस्तों जो इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, जो शेयर मार्केट, इनसे आती है आपके आईबीपीएस एफओ के एग्जाम में, तो उनसे रिलेटेड जो ओके है वही आपको मैं बताऊंगा, ताकि आपको अगर पैसेज भी दे दिया जाए तो उसमें भी आपको हेल्पफुल रहे। ओके, रीअरेंजमेंट क्वेश्चन आ जाए उसमें भी आपको हेल्पफुल रहे, और नॉर्मली अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए ओके का, तो भी आपसे बन जाए, एंटोनिम से बन जाए आपसे, उसके सिनोनिम से बन जाए आपसे, तो ये ओके आपको हर जगह हेल्पफुल रहेगी। और मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को ओकेप से मिल जाएंगे, उसके बाद में एंटोनिम्स वाला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा ओकेप कर लोगे तो, सिनोनिम से बन जाएंगे, इस प्रकार आप बहुत सारे क्वेश्चन कवर अप कर सकते हो। और हम हमारे इस वीडियो के माध्यम से 4 से 5 हज़ार ओकेप आपको कंप्लीट करवा देंगे प्रीलिम्स एग्जाम से पहले। तो आप बने रहिए लगातार बिरला करियर एकेडमी के साथ, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर ले। तो आज देखते हैं हमारी पहली ओके, हमारी पहली ओके आज की है अधेर, अधेर आने होता है चिपकना। आप इसको ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार याद कर सकते हो कि आधी, आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हो कि आधी फेविक्विक ही लगाना, आधी फेविक्विक ही लगाना, क्योंकि यह बहुत ज्यादा चिपकती है। मैं आपको बताता हूँ ट्रिक मेरे हिसाब से, आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हो, बाकी आपको जिस प्रकार से याद रहे आपको याद रखना है। बाकी बहुत ही इम्पोर्टेंट ओके है, आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी और आपका प्रीलिम्स एग्जाम आराम से निकल जाएगा जो लगातार बिरला करियर एकेडमी के साथ में जुड़ा है। तो आप लगातार बने रहिए बिरला करियर एकेडमी के साथ। तो मैंने आपको बताया अधेर यानी चिपकना, आधी फेविक्विक ही लगाना ताकि ये चिपक जाए, इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो। उसके बाद में सेकंड है होवल्ड, ये आपकी है होवल्ड, इसका मतलब होता है लंगड़ाना, लिंप या लंगड़ाना। आप इसकी ट्रिक बना सकते हो दोस्तों होबी, कि उसकी होबी है लंगड़ा लंगड़ा के चलने की। ये चलने की, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। अब आपकी तीसरी ओके जो आती है रुई, आने होता है पछताना। आप इसको रिवर्स फॉर्म में याद रख सकते हो कि जो रोता है वो पछताता है, और जो पछताता है वही रोता है, रोने वाला इंसान ही पछताता है और पछताने वाला इंसान ही रोता है, इस प्रकार से इसको याद रख सकते हो। अब हमारी चौथी आएगी इग्नाइट, चौथी ओके आज की वीडियो में हम बताएंगे इग्नाइट। इग्नाइट ये चौथी आपकी ओके है, इग्नाइट, इग्नाइट से मतलब है आग लगाना। आप इसको याद रख सकते हो, इग से मतलब इक, नाइट, इक नाइट को उसने आग लगा दी, इग्नाइट मतलब इक रात, इक एक नाइट, एक नाइट को उसने आग लगा दी, इस प्रकार से आप इसको याद
रख सकते हो। उसके बाद में आता है रथ, रथ इसको बोलते हैं, मतलब क्रोध आना या क्रोधित। आप इसको याद रखने के लिए रख सकते हो कि अगर जैसे महाभारत हुई थी, महाभारत में तो महाभारत में जब श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया था तो रथ के ऊपर दिखाया था, तो याद रखते हो रथ, रथ में श्री कृष्ण जी ने, रथ में श्री कृष्ण जी ने अपना क्रोध दिखाया। तो यहां से याद रख सकते हैं, रथ मतलब क्रोध आना, इग्नाइट मतलब आग लगाना, इग्नाइट को उसने आग लगा दी। इस प्रकार से इसको याद रख सकते हो। ये तो हुई आपकी 5 वोकैब जो वीडियो के शुरू में बताना था, और शेष 5 वोकैब जो है वीडियो के अंत में बताऊंगा मैं आपको। उससे पहले हम आपको एक स्कीम के बारे में बताते हैं जो कि डेयरी इक्विपमेंट डेवलपमेंट स्कीम है हमारी, ये आपकी 9वीं स्कीम है। इससे पहले मैं 8 स्कीम आपको बता चुका हूँ जो कि है डेयरी इक्विपमेंट, डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप। डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, इसके बारे में आपको बता दूं कि जो भी हमारा दूध का जो इंडिया का जो मिल्क का प्रोडक्शन है, जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो लगातार अगर कम होते हुए देखा, तो इसके लिए जो डेयरी फार्मर, डेयरी के जो व्यापारी हैं, जो डेयरी का बिजनेस करते हैं, जो पशुपालन करते हैं, उनको और आगे बढ़ावा देने के लिए, या जो भी नए डेयरी फार्मर से जुड़ना चाहते हैं उनको इससे अवगत कराने के लिए, उनको जो फाइनेंस की हेल्प देने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत उनको लोन प्रोवाइड किया जाने लगा जिससे कि वो अपनी डेयरी फार्म खुद की डाल सके, जिससे कि जो है देश का इकोनॉमिक्स सही हो और हर व्यक्ति को अपना रोजगार प्राप्त हो, और ताकि वो अपने जो भी क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उनके साथ साथ में उनका जो है दूसरा बिजनेस भी चालू कर सके, इसके लिए इसको बढ़ावा दिया गया और इस स्कीम को लॉन्च किया गया। सबसे पहले बात करते हैं, स्कीम 2005-06 में आपकी आई थी, 2005-06 में आपकी ये लॉन्च की गई सबसे पहले, तब इसका नाम था वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल स्कीम फॉर, वेंचर कैपिटल स्कीम फॉर डेयरी एंड पोल्ट्री का नाम था, डेयरी एंड पोल्ट्री 2005-06 में स्टार्टिंग में आई थी, तब इसका नाम वेंचर कैपिटल स्कीम फॉर डेयरी एंड पोल्ट्री था। उसके बाद में 1 सितंबर 2010, 1 सितंबर 2010 में इसका नाम बदलकर डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप, डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम इसका नाम रख दिया गया, जो कि अभी हमारी स्कीम चल रही है। अब इसमें बात करते हैं, इसमें सब्सिडी किस प्रकार से मिलती है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आते भी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम होती है, IBPS FO हो गई, IFCO हो गई, इसमें से सब्सिडी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि जनरल कैटेगरी को कितनी सब्सिडी मिलती है, ST ST कैटेगरी को कितनी सब्सिडी मिलती है, उसके बारे में बात करते हैं। सब्सिडी, सब्सिडी जो है जनरल कैटेगरी वालों को जो है इसमें 25% सब्सिडी मिलती है, और SC और ST दोनों के लिए 33.33% की सब्सिडी इसके अंतर्गत दी जाती है। और जो डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम है, ये इम्प्लीमेंट इसकी एजेंसी कौन सी है, तो नाबार्ड, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो है इसकी नाबार्ड है, यानी कि नाबार्ड के अंतर्गत ये स्कीम आती है। इसमें से आपके लिए याद रखने वाली चीज सब्सिडी है कि जनरल को 25% सब्सिडी, SC ST को 33.33% सब्सिडी दी जाती है, और एजेंसी पूछ ले तो नाबार्ड इसकी जो है नाबार्ड के अंतर्गत ये आता है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं,
ये स्मॉल डेयरी में कितने पशु होते हैं, उनके लिए कितना लोन जो है इस स्कीम के अंतर्गत दिया जाता है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जो डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप स्कीम है, इसके अंतर्गत स्मॉल डेयरी, अगर किसी इंटरप्रेन्योरशिप की स्मॉल डेयरी है तो उसमें कितने पशु होना चाहिए, 2 से 10 पशु जो है इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और स्मॉल डेयरी 2 से 10 पशु होना चाहिए, इनको 7 लाख तक का लोन जो है प्रोवाइड किया जाता है, 7 लाख तक का इनको लोन दिया जाता है। वही जो जनरल कैटेगरी 25% सब्सिडीज के अंतर्गत आती है, एससी या एसटी को 33.33% सब्सिडी दी जाती है। अगर इसमें पर एनिमल पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि एक पशु के लिए जनरल कैटेगरी को कितना लोन दिया जाता है, कितने पैसे मिलते हैं, और एससी या एसटी कैटेगरी को कितने मिलते हैं, तो ये आप याद रखिए, जो जनरल में है उनको 17,500 रुपये पर एनिमल, यानी कि प्रति पशु जो है इसमें पैसा दिया जाता है। और जो एससी या एसटी कैटेगरी से हैं उनको 23,300 रुपये प्रति पशु जो है इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है। तो ये भी आपके लिए स्कूल है, ये भी याद रखिए आप। तो इसमें डेयरी में इतना ही है, आपको मेन कंसेप्ट वही याद रखना है कि जो जनरल कैटेगरी को 25% सब्सिडी दी जाती है, एससी या एसटी कैटेगरी को 33.33% सब्सिडी दी जाती है। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी नाबार्ड है इसकी। उसके बाद में जो है स्मॉल डेयरी में 2 से 10 पशुओं को शामिल किया जाता है, उसको 7 लाख तक का लोन दिया जाता है स्मॉल डेयरी वालों को। उसके बाद में जनरल कैटेगरी को पर एनिमल 17,500 रुपये प्रोवाइड किया जाता है, एससी या एसटी को 23,300 रुपये पर एनिमल दिया जाता है, ये आप याद रखिए। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे शेष ओके 5 5 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, कुल मिला के हमारे 25 जो है ओके कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारे 26 है, इनकोर इनकर यानी कि दर्द या सफर, इसका मीनिंग होता है सफर, या फिर दर्द को झेला हुआ इसको बोलते हैं सफर, इसको बोलते हैं। तो इसकी ट्रिक इस प्रकार से है कि जो भी पढ़ाई से करेगा इनकार, उसको झेलना पड़ेगा सफर या दर्द। इसको आप यहाँ से याद रख सकते हो कि जो भी व्यक्ति है जो पढ़ाई से करेगा इनकार, उसको झेलना पड़ सकता है दर्द सफर। तो आप भी पढ़ते रहिए ताकि आपको आगे भविष्य में दर्द ना झेलना पड़े। तो आगे देखते हैं हमारी सरप्लस, सरप्लस यानी कि एक्स्ट्रा या अतिरिक्त। इस ओके को याद रखना बहुत ही आसान है दोस्तों, ये प्लस आपका है, प्लस प्लस यानी कि एक्स्ट्रा अतिरिक्त, इसको आप आसानी से याद रख सकते हो। उसके बाद में आपका था कंटेंशियस, कंटेंशियस यानी कि विवादास्पद, विवादास्पद विवाद, नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों आपका। दोस्तों आपको एक बात और बताना था कि जिसे भी सेंटेंस आपका आए तो उसको आप देख लीजिए कि नेगेटिव में आता है कि पॉजिटिव में आता है। जैसे विवादास्पद है तो ये आपका नेगेटिव नेगेटिव वर्ड है, तो इसको इससे आपको क्या आसानी होगी कि जो भी आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन रहेगा, तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट में क्या रहता है कि जिससे भी कोई सेंटेंस खत्म हुआ उसके बाद में बट आया आपका, तो बट के बाद में आपको पता है कि बट से पहले अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस चल रहा है तो बट के बाद में आपका नेगेटिव सेंटेंस चलेगा। बट से पहले अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो बट के बाद में आपका जो है पॉजिटिव सेंटेंस चलेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा, और रीअरेंजमेंट आपको 5 नंबर दे जाएगा दोस्तों, 5 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2.5 नंबर का आपको यहाँ से कवर अप हो जाएगा। तो आप माइंड में याद रखिए कि ये कौन सा नेगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ताकि साथ में आपका रीअरेंजमेंट और पेसेज का भी कंप्लीट होते रहेगा। उसके बाद में आपका आएगा 29 और 30, 2 और बचे हैं आपके। स्क्रैप्ड, 29 आपका स्क्रैप्ड, ये आपका है स्क्रैप्ड, इसका मतलब होता है अबंडन,
स्क्रैप्ड का मतलब होता है अबंडन या थ्रो अवे, थ्रो अवे इसको बोल सकते हैं। इसके दो मीनिंग होते हैं, स्क्रैप्ड का अबंडन या थ्रो अवे, मतलब कि इस कैप, इस कैप का मैंने अबंडन कर दिया, यानी कि छोड़ दिया या खत्म कर दिया। इसको हिंदी में भी याद रख लीजिए, खत्म कर दिया। जैसे कि ये सेंटेंस आपका ये नेगेटिव आएगा, आपका छोड़ना खत्म करना, इस प्रकार के जो सेंटेंस है नेगेटिव आएंगे। इसके पहले अगर पॉजिटिव सेंटेंस चल रहा है तो बट के बाद में नेगेटिव सेंटेंस आप इसको फिक्स कर सकते हो, तो ये आपको वहाँ पे भी यूजफुल रहेगा। उसके बाद में 30 लास्ट आपकी ओके रहेगी, परटेनिंग। इसका मतलब होता है संबंधित, परटेनिंग का मतलब होता है आपका संबंधित। इसको आप याद रख सकते हो कि ये पाषाण काल से संबंधित है, संबंधित। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया आज की दो 10 जो ओकेप थी, जो कि आपके लिए बहुत ही आईबीपीएस एफओ इको के लिए स्कूल थी। तो हमने आज तक 10 जो है 30 यानी कि 30 ओकेप कंप्लीट कर चुके हैं। और जो हमारी आज की 9th स्कीम थी एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, उसके बारे में हमने जान लिया है। तो दोस्तों मैंने आपको जो आज नई चीज़ बताई कि मैं जैसे भी आपको सेंटेंस बोलूँ तो उसको आप मन में याद रखिए कि नेगेटिव सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस है, ताकि आपको आगे जब बताएंगे रिअरेंजमेंट का क्वेश्चन तो उसमें आपको आसानी रहेगी, या फिर आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं आगे के वीडियो, क्योंकि जैसा ही हमारा स्कीम कम्प्लीट होगा तो हम जो है करंट एग्रीकल्चर चालू कर देंगे। जो बजट पेश किया गया था इस साल 18-19 का, इलेक्शन से पहले इलेक्शन के बाद क्या क्या हुआ उसके बारे में क्वेश्चन मैक्सिमम बन जाते हैं, जो कि मैक्सिमम बच्चे छोड़ के जाते हैं, गलत करके आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा आपको। तो आप लगातार बने रहिए बिरला करियर एकेडमी के साथ, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। धन्यवाद।